अच्छा चांसेस है। जो तब्दील मिल जो रही है सही अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात ये कर रहे थे कि लास्ट डे हम जो है वो ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट के हवाले से बात शुरू कर चुके थे। आज के टॉपिक में मैंने चूज़ किया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और मल्टीनेशनल कंपनीज़ को। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीनेशनल कंपनीज दोनों रिलेटेड सब जो है बहुत ज़्यादा रिलेटेड जो है वो कोर्सेज हैं या बहुत ज़्यादा रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम इसी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रब्बी इशरह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। देखिए यहाँ पे कुछ छोटी सी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो मैंने आज का टॉपिक आपको बता दिया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये दो टॉपिक्स मेरे ज़ेर बहस हैं आज। दूसरी चीज़ जो मैं आप दोस्तों के साथ ज़ेरे बहस लाना चाहता हूँ, वो टॉपिक तो क्लियर हो गया, मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मुझे कुछ मैसेजेस बच्चों के कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये कोर्स में कहाँ है, कोर्स में ये नहीं, ये है ये नहीं, वो है। देखिए बात ये है, वी हैव टू गो थ्रू थॉरली द कोर्स आउटलाइन एंड गो थ्रू दैट, उसके मुताबिक जाना होता है। बाज़ बच्चे जो हैं वो एक और कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है सीमा, उसकी बुक पकड़ लेते हैं और उसी बुक में जो चैप्टर होते हैं कहते हैं जी ये एक्चुअली कोर्स है, वो कोर्स नहीं है जो हम पढ़ा रहे हैं। बहरहाल एनीवे मेरा ये काम है कि मैं आपका कॉन्फिडेंस बहाल करूँ इस मामले में। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि आपकी कोर्स आउटलाइन के कॉन्टेंट्स हैं जो आजकल आपको पढ़ाए जा रहे हैं। इसके अंदर देखिए ये आपका ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट जिसके अंदर आपको पेस्ट पढ़ाया गया है, जिसके अंदर आपको जो है वो डायमंड पोर्टर मॉडल पढ़ाया गया, ठीक है जी, ये रहा। अच्छा उसके अलावा इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस स्वॉट एनालिसिस वगैरह तमाम आपको कराया गया, ठीक है जी। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में डिटेल में बात की आपके साथ, बहुत सारे बच्चों का कंसर्न ये था कि इकोनॉमिक्स पढ़ाने की हमें फिर क्या ज़रूरत थी, तो ये इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट आपके सामने है। अब हमारे पास इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, और इसी के हवाले से फिर जो आपका इन्वायरमेंट है उसके अंदर FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ये है जो एरियाज अभी कवर अप करने वाले हैं। इसके अंदर जो कल्चर का एरिया है ये पहले एक दफ़ा हम पढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कल्चर के हवाले से, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर था। यहाँ पे इंटरनेशनल ग्लोबल कल्चर के हवाले से हमने बात करनी है, जिसके अंदर हॉफस्टेड का मॉडल हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन एक दफ़ा उसको रिवाइज कर लेंगे इस कंटेंट के हवाले से। ये है जो हमारा टॉपिक्स हैं जो आपको बताने ज़रूरी थे कि जो आपके साथ इस वक्त ज़ेरे बहस है। तो जो बच्चे समझते हैं कि ये कोर्स में नहीं था, पता नहीं सर क्यों पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह के जो सिचुएशंस होती हैं ना वो हम हाँ बंदे को जो है वो एक नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। मुझे जो ये राय ज़्यादातर आती है, बाज़ बच्चे व्हाट्सएप नंबर मांग रहे हैं, तो ज़्यादातर व्हाट्सएप से नहीं मुझे राय आती है, मुझे गूगल क्लासरूम में मैसेज ऑप्शन होती है वहाँ पे बच्चे जो हैं वो अक्सर पूछ लेते हैं। गूगल क्लासरूम ऑप्शन होती है वहाँ बच्चे अक्सर पूछ लेते हैं, और जो बच्चे वैसे अगर मेरे साथ कोई
कांटेक्ट रखना चाहेंगे तो वो मेरे सवाल कर सकते हैं 0333-4273-174 पे मेरे साथ रब्ता रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। और वैसे भी मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करूँगा कि लास्ट फ्यू डेज़ में आपको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज की इजाज़त भी दे दे, जो हमारा ICMAP का ग्रुप है उसके अंदर, ठीक है जी। ये हैं आपके जो कंटेंट्स हैं जहाँ से मैंने इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे जस्टिफाई हो गया कि इकोनॉमिक्स का भी जो टॉपिक मैंने पढ़ाया वो भी रिलेटेड था, पेस्ट भी रिलेटेड है, डायमंड भी रिलेटेड है, शॉर्ट एनालिसिस भी रिलेटेड है, और FDI MNC जो है वो पर्टिकुलरली आप जब बात करते हैं ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट की, तो जाहिर बात है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और मल्टीनेशनल कंपनीज तो आएंगी, उसके बगैर तो कोई इंटरनेशनल बिजनेस या ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं बनती। सबसे पहले तो आज ये देखते हैं कि ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये क्या चीज़ है, FDI जिसको आप कहते हैं। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बॉर्डर्स की परवाह नहीं करती, मतलब इट्स डजंट टेक केयर ऑफ द बॉर्डर ऑफ योर कंट्री, इट मे बियॉन्ड द कंट्री, इट मे गो बियॉन्ड द कंट्री। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू सी दैट अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज सिंपली नथिंग अ बिग डील दैट यू आर लिविंग इन अ कंट्री ए, लिविंग इन अ कंट्री ए बट यू आर going to do some business activity in B. आप A में रहते हैं और business activity B में करने जा रहे हैं, वो क्या activities हो सकती हैं, वो activities ये हो सकती हैं कि आप B country में कोई factory लगा लेते हैं, कोई production शुरू कर देते हैं, या आप B company में कोई factory थी उसे purchase कर लेते हैं और चलाना शुरू कर देते हैं, या आप इनकी stock exchange में कोई shares वगैरह ख़रीद लेते हैं। ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाती हैं। यहाँ पे एक बात को याद रखना चाहिए कि एक होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, देखिए वो एक अलग फॉर्मेट है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील जो है वो आमतौर पे लोन हो सकती है, रेमिटेंस हो सकता है, ग्रांट हो सकती है, वो अलग चीज़ है। ये है अफराद या फर्द, ये इज रिलेटेड विद इंडिविजुअल, डेट एन इंडिविजुअल आर अ कंपनी या एक इंडिविजुअल ने या किसी कंपनी ने दूसरे मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट की है, या वहाँ फैक्ट्री लगाई है, या वहाँ पे कोई फैक्ट्री परचेज की है, या वहाँ पे उन्होंने कोई शेयर्स वगैरह खरीदे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। जो गवर्नमेंट के मामला है वो बिल्कुल इससे अलग है, वो ग्रांट हो सकती है, वो लोन हो सकता है, वो अलग चीज़ है। तो हम कहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग ओनरशिप in a business in one country by an entity based in another country. किसी एक मुल्क में आप किसी ownership को control करते हैं या business activity करते हैं जबकि आप रहते किसी और मुल्क में हैं, तो हम इसको foreign direct investment कहेंगे। क्योंकि ये factory खरीदना, ये factory purchase करना, factory बनाना या शेयर्स खरीदना एक मुल्क से अक्रॉस बॉर्डर आप जा रहे हैं, लिहाजा ये आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी। अगर अपने मुल्क में होती तो फिर तो ज़ाहिर है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होती, जब दूसरे मुल्क में हो रही तो फिर ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, हम इसको FDI मुख्तसर कहते हैं। अब जहाँ तक FDI का ताल्लुक है, इसमें ज़्यादातर कंसर्न जो होता है बच्चों का वो होता है मल्टीनेशनल के साथ कि सर मल्टीनेशनल क्या होती है। देखिए बड़ी सिंपल सी, इसमें कोई बड़ी लॉजिक नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील टू अंडरस्टैंड दैट, ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं है इस बात को समझना कि देखिए अगर एक कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं दे आर सिटिंग इन अ वन कंट्री एंड दे आर वर्किंग आर डूइंग सम बिजनेस एक्टिविटी इन अनदर कंट्री, वी कॉल्ड इट मल्टीनेशनल बिकॉज इट्स गोइंग टू इंक्रीज देयर बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम वन नेशन। तो एक नेशन से ज़्यादा उन्होंने बिजनेस एक्टिविटी बढ़ा दी तो हम इसको मल्टीनेशनल कह सकते हैं। वेरी सिंपलेस्ट एग्जांपल इज दिस कि एक कंपनी है जिस नेम इज सैमसंग एंड दे हैव स्टार्टेड देयर वर्क इज बेसिकली कंपनी इज बेस्ड इन कोरिया, कंपनी कोरियन बेस्ड है और इसके BODs जो हैं वो कोरिया में बेस करते हैं, यानी इसका बोर्ड कोरिया में बैठता है। But it has started activities in two different countries. Likewise, some of the production is done in China. Most of the production is done in China. Another production is done in Malaysia.
So this is what they done in the worldwide two countries. So this is converted into a multinational. लेकिन इसमें लाजिम नहीं, देखिए बोर्ड एक मुल्क में है, किसी भी एक दूसरे मुल्क में आपकी बिजनेस एक्टिविटी है तो वी कैन कॉल्ड इट मल्टीनेशनल कंपनी। एक बिजनेस एक जगह एक कंट्री में आपका बोर्ड है और दूसरे मुल्क में जाके आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करेंगे तो हम इसको जो है वो मल्टीनेशनल कहेंगे। तो हम इसको कहते हैं एक कॉरपोरेशन डेट हैज़ इट्स फैक्ट्रीज अदर एसेट्स इन एटलीस्ट वन कंट्री अदर देन इट्स होम कंट्री, अपने होम कंट्री के अलावा किसी भी एक मुल्क में, किसी भी एक दूसरे मुल्क में एटलीस्ट वन कंट्री में आपके एसेट्स हो या आपकी फैक्ट्री हो, हम इसे मल्टीनेशनल का नाम दे देंगे। तो सैमसंग इज अ मल्टीनेशनल कंपनी बिकॉज इट हैज अ वन बेस कंट्री कोरिया एंड इट इज स्टिल हैज इन्वेस्टेड इन चाइना एंड मलेशिया विच डन दैट इट इज अ मल्टीनेशनल कंपनी। Similarly, our local company, which is named as Packages, तो Packages ने अपनी एक फैक्ट्री जो है वो अफ्रीका में लगा दी है। तो आप अफ्रीका में एक जगह काम कर रहे हैं, दूसरी जगह पाकिस्तान में उनके BODs बैठे हुए हैं, तो ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में कन्वर्ट होगी। Although ये हमारी लोकल कंपनी है, लेकिन बहरहाल जैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे मुल्क में की तो इस कन्वर्टेड इंटू अ मल्टीनेशनल, तो इसलिए ये मल्टीनेशनल कंपनी की शक्ल है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे ग्लोबल मैनेजमेंट है, कोऑर्डिनेट करती है फ्रॉम द सेंट्रल हेड ऑफिस, सेंट्रल हेड ऑफिस से अपने पूरे ग्लोब में जितना काम है उसको कंट्रोल करते हैं, हम इसको मल्टीनेशनल कंपनी का नाम देते हैं। अब इस दौरान आप बच्चों के कुछ क्वेश्चन शायद आए हों, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, जैसे अभी जो है माइट बी रेज सम हैंड बाय बिस्मा शफाक, so they can ask the question in context box mein sawal kar sakte hain aap. Acha, acha, to hum baat ye kar rahe the aapke sath. एक तो हमने मल्टीनेशनल की बात कर ली, मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी बेस एक मुल्क में है, इट इज अ होम कंट्री बट डूइंग सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन एनी अदर कंट्री इज कॉल्ड मल्टीनेशनल। किसी भी दूसरे मुल्क में जो है बिजनेस एक्टिविटी की तो इसको हम मल्टीनेशनल का नाम दे सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसनेशनल कंपनी। Transnational company is a bigger company than activity, international activity than the multinational. Transnational company is basically a company, you can say, it has sitting board of directors in one country, not in one country, it is more than one country, means many countries. Agar ek company ka board of director, the board of directors sitting in a home country, and it has done some sort of business activity in any other country, let's say a country business activity doing in b country, we called it multinational. ye kya hai, multinational hai. lekin ek company jo hai uske board hi kai jagah exist karte hain, ek board unka baitha hua hai asia mein, ek board unka baitha hua hai africa mein, ek board unka baitha hua hai europe mein. तो भाई ये कंपनी जो है इसको मल्टीनेशनल ना कहें, इसको फिर आप ट्रांसनेशनल कंपनी कह दें। क्यों? कि इसका बोर्ड एक जगह नहीं, इसकी स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट बहुत जगह पे है और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक जगह पे नहीं, मुख्तलिफ रीजन ऑफ द वर्ल्ड में बैठते हैं। इसकी मिसाल है हमारे यहाँ पेट्रोल की एक कंपनी, हम इसे कहते हैं शेल लिक्विड पेट्रोलियम। तो ये जो है इज अ ट्रांसनेशनल कंपनी। तो ट्रांसनेशनल कंपनी वो कंपनी है जिसका बोर्ड एक जगह नहीं, दो तीन जगह बैठता है, कंपनी स्प्रेड है इन मेनी कंट्रीज, तो फिर ये बहुत सारी कंट्रीज में स्प्रेड है तो हम इसको कहेंगे ये ट्रांसनेशनल कंपनी। लेकिन ऐसी कंपनीज की मिसाल काफ़ी कम है, ज़्यादातर हमारे यहाँ जो पॉपुलर टर्म यूज़ होती है वो है मल्टीनेशनल कंपनीज, मुख्तसरन हम इन्हें कहते हैं MNCs। देखिए सवाल ये है कि ग्लोबलाइजेशन जो है पर्टिकुलरली पूरी दुनिया में ही पॉपुलर हुई है और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आया है, लेकिन पर्टिकुलरली
जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं यहाँ इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा आया है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है इट्स अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना जिसके अंदर हमने देखा है कि इन द पास्ट मैनी कंपनीज लोकेटेड मच ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज, लाइकवाइज कंट्रीज ऑफ एशिया एंड लैटिन अमेरिका। जितनी भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एशिया और लैटिन अमेरिकन स्टेट में मूव की है। वजह वजह ये है कि यहाँ पे लेबर इकोनॉमिकल है, कॉस्ट कम है, लिहाजा प्रोडक्शन करके आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, इसलिए इनकी एक्टिविटी इन मुल्कों की तरफ ज़्यादा गई है। नाउ दे आर इंक्रीजिंगली लोकेटेड सर्विसेज एंड नॉलेज बेस्ड जॉब्स देयर टू। अब वहाँ पे इनकी जो नॉलेज बेस्ड जॉब भी हैं और इनकी सर्विसेज भी हैं, यानी पहले इन्होंने सिर्फ प्रोडक्शन मूव की थी लेकिन ग्रेजुअली नॉलेज बेस्ड जॉब भी वहाँ पे आ गई और बाकी चीज़ें भी आ गई, जैसे टेली सेल्स हैं इनकी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो वो भी इन्होंने एशियन मुल्कों में और लैटिन अमेरिकन स्टेट्स में मूव की है। दिस इज़ बिकॉज मैनी कंट्रीज इन एशिया एंड लैटिन अमेरिका नाउ प्रोड्यूस मैसिव नंबर ऑफ वेल एजुकेटेड एंड वेल ट्रेन इंडिविजुअल, के इन मुल्कों में अब एशिया और अमेरिका में काफ़ी वेल ट्रेन और वेल एजुकेटेड लोग जो हैं प्रोड्यूस किए गए हैं। तो जहाँ तालीम अच्छी होगी ज़ाहिर है मल्टीनेशनल चाहेंगी कि इन मुल्कों में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की जाए। इसका एक फ़ायदा यह है कि ट्रांजिशन ऑफ इकोनॉमिक हैव बीन ट्रिगर्ड टू ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर, के जो ट्रांजिशन है इकॉनमी की इसके साथ काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ जो है ट्रिगर हो जाती है इन मुल्कों में, जिसकी एग्जांपल जो है आप ये दे सकते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज कंपनीज वांट टू शेयर ग्रोथ ऑफ कंट्री ऑफ दीज कंट्रीज, ये बहुत सारे कंट्रीज की ग्रोथ में शेयर करता है। क्योंकि आप इन मुल्कों को जानते हैं, इनके पास सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि इनके पास कैपिटल नहीं है और इनके पास एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट नहीं है, इनके पास क्रिएटिव आइडियाज़ की कमी है। जब मल्टीनेशनल आती हैं तो वो कैपिटल साथ लेके आती हैं, अपने आइडियाज़ साथ लेके आती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी न्यू फैसिलिटीज़ ये क्रिएट करती हैं और होस्ट कंट्रीज़ में, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोकल कंडीशंस का इन्हें फ़ायदा मिलता है और लोकल कंट्रीज़ को डेवलपमेंट के एंगल से काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है, जो उन्हें जॉब्स मिल जाती हैं, उन्हें इकोनॉमिक स्विंग एक मिल जाता है। और इसके अंदर ऑफशोरिंग है जिसको लेटर ऑन हम करेंगे कि अपनी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो दूसरे मुल्कों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ये जो डेटा है ये थोड़ा सा पुराना है, इसके अंदर अगर आप देखें तो ग्रेजुअली डेवलपिंग कंट्रीज़ में नंबर ऑफ मल्टीनेशनल में इजाफा होता चला जा रहा है, ग्रेजुअली मल्टीनेशनल बढ़ती जा रही है इन मुल्कों में। जबकि अगर आप देखें तो दुनिया में 90% मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, 90% जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं उनमें से 500 लार्जेस्ट कंपनीज, यानी ये डाटा शायद इतना अहम ना हो क्योंकि हमने इसे रट्टा तो नहीं लगाना, लेकिन ये तीन बातें बड़ी अहम हैं जिनको सुनना चाहिए आपको बड़े गौर से। पहली बात ये है कि 90% दुनिया भर के जो 500 लार्जेस्ट कंपनीज हैं, जो कि 90% है, और उनका ताल्लुक ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका, जापान और यूरोप के साथ रहा है। 300 लार्जेस्ट कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास पूरी दुनिया के 25% रिसोर्सेस इनके मलकियत हैं, ठीक है जी। और 50 लार्जेस्ट एमएनसीज फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, 50 के लगभग बड़ी मल्टीनेशनल जो है उनका ताल्लुक डेवलपिंग कंट्रीज के साथ है। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि मल्टीनेशनल इतनी है कि इनके पास दुनिया के रिसोर्सेज का 25% जो है सिर्फ 300, 25% प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का सिर्फ 300 कंपनीज ने होल्ड किया हुआ है। तो ये आप कह सकते हैं कि इसमें बड़ी अंडरस्टैंडेबल बात है, या ये बात समझने की है कि मल्टीनेशनल की अहमियत आज कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी चीज़ आप देखते हैं, इसको आप कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए जब आप बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, एक अदर डेफिनेशन ये भी है कि फंड्स इन्वेस्टेड बाय एन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, एन एमएनसी एंड
वन नेशन फॉर ट्रेनिंग एक्वायरिंग एक्सपेंडिंग एन इंटरप्राइज इन एन अदर नेशन, कि एक मल्टीनेशनल कंपनी किसी दूसरे मुल्क में अक्वायरिंग करने के लिए या अपना बिजनेस ऑपरेशन एक्सपेंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट जो करती है, इसको भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। क्यों? कि लाजिम नहीं है कि एक प्राइवेट इंसान या ग्रुप ही इन्वेस्टमेंट करे, कंपनी तो कर। अब इसकी तीन बड़ी रीज़न है कि क्यों ऐसा करती हैं मल्टीनेशनल। इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि इनकी ख्वाहिश ये होती है कि सीक एक्सेस टू न्यू मार्केट, के नई मार्केट्स की तरफ एक्सेस किया जा सके, नई मार्केट को सर्च किया जा सके। दूसरा, अपनी छुपा की बाय ग्रो बियॉन्ड स्मॉल डोमेस्टिक मार्केट, क्यों ना दुनिया भर की मुल्कों की इकोनॉमीज को मिला के उन्हें अपने साथ मिलाया जाए और उनके अंदर भी कारोबार किया जा सके। और तीसरी बात यह है टू अचीव कॉस्ट एंड अदर कंपेटिटिव एडवांटेज, के वहां जाके सस्ती प्रोडक्शन करके पूरी दुनिया में प्राइस वॉर अगर करनी पड़े तो एडवांटेज लिया जा सके। तो आप ये कह सकते हैं कि पहला इनका मसला ये है कि ये इसलिए है कि न्यू मार्केट्स को एक्सेस करें। दूसरी बात इसलिए है कि स्मॉल डोमेस्टिक मार्केट्स को छोड़कर अपनी या उनके साथ बड़ी मार्केट इंटरनेशनल पिक की जाए। और तीसरी बात यह है कि कॉस्ट एंड अदर कंपेटिटिव एडवांटेज को हासिल किया जा सके। ये तीन बड़ी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि मल्टीनेशनल जो है वो अपना अपनी इन्वेस्टमेंट जो है दूसरे मुल्कों में करना चाहते हैं। अब देखें कि ये जो डायग्राम आपके सामने रखी है, इससे अंदाज़ा होता है कि दुनिया में अभी भी 60% के करीब जो मल्टीनेशनल हैं उनका ताल्लुक जो है वो डेवलप्ड नेशंस के साथ है। लेकिन अब एक चेंज आ चुका है कि 40% के करीब जो है वो ताल्लुक डेवलपिंग नेशंस के साथ है। यानी अब डेवलपिंग नेशंस में एक बड़ी तादाद है मल्टीनेशनल की जो आगे बढ़ रही है। अब सवाल ये है कि मल्टीनेशनल्स के हवाले से अगर हम कहें कि हमें एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। मिसाल के तौर पे मल्टीनेशनल अगर किसी मुल्क में जाती हैं, पर्टिकुलरली लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ में या डेवलपिंग कंट्री में, तो सबसे पहला फ़ायदा इनका ये है कि एडवांटेज इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनके यहाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत कम है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट तो दूर की बात है, मैन्युफैक्चरिंग भी पहले कम ही थी और कम है। तो ये जब जाती हैं तो अल्टीमेटली ये एडवांटेज लेके जाते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। दूसरा ये कि जो अंदर की कंपनियां हैं उनका आपस में कंपटीशन इतना अच्छा नहीं होता। मल्टीनेशनल के आने से जो इंटरनल कंपटीशन है वो बढ़ता है। वो इस तरह से कि जो कंपनीज अंदर बिल्कुल क्वालिटी की केयर नहीं कर रही, अच्छी प्रोडक्शन नहीं कर रही, उनको जब कंपीट करना पड़ता है तो कंपटीशन के नतीजे में उन्हें अपनी क्वालिटी बेहतर करनी पड़ती है। और जो कंपनीज दूसरे मुल्क से आई होती हैं, नेचुरली जब वो दूसरे मुल्क से रिसोर्सेज लेके आती हैं तो लोकल मार्केट में उनका इमेज बेहतर होता है कि ये इंटरनेशनल कंपनी है। इससे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आती है। यानी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, हमारे यहाँ जो डिफरेंट कार मैन्युफैक्चरर हैं, अगर देखें तो R&D हमारे मुल्क पाकिस्तान में कितना हुआ है इसके ऊपर। ये सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये बाहर से ही आई है, चाहे वो होंडा कंपनी है, चाहे वो टोयोटा कंपनी है, कोई भी कंपनी है, तो टेक्नोलॉजी बाहर से लेकर आए। इस टेक्नोलॉजी का हमें एडवांटेज ये है कि हमारे पास जो वेल्थ गैप है और जो टेक्नोलॉजी में शॉर्टफॉल है वो इन लोगों ने कवर किया है। इससे इम्प्रूव किया है हमारी मार्केट में स्पोर्टिव इंडस्ट्री ने,
उसकी वजह ये है कि पहले भी ये बात हो चुकी है, कोई भी फर्म अकेली जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर सकती। यानी दुनिया की कोई फर्म अगर आप कहें ना कि अकेले कारोबार चला ले, कोई भी फर्म दुनिया की अकेले कारोबार नहीं चला सकती। कारोबार चलाने के लिए कुछ सपोर्टिव इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्टिव इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे अगर आप कार मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको स्टील की ज़रूरत पड़ेगी, बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको टायर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको जो है एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो कंपनीज हैं वो इंटरनेशनल है, मल्टीनेशनल है, वो उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि बड़ा एडवांटेज है कि ये कंपनीज ना सिर्फ ये कि वसाइल अपने साथ लाती हैं, बल्कि ये आपकी जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनको भी काम करना और जीना सिखाती हैं। कि अगर टोयोटा आई है तो यकीनी तौर पे कुछ पुर्जे या कुछ कंपोनेंट लोकल कंपनी से लेती होंगी। मिसाल के तौर पे जनरल के टायर लगे होते हैं, एजीएस की बैटरी लगी होती है या एक्साइड की बैटरीज हैं, उनको भी फ़ायदा होता है। तो ये लोकल फर्म्स को भी साथ ग्रूम कर देती हैं, लोकल फर्म्स को भी ग्रूम कर देती हैं, उनकी भी क्वालिटी को इन्हेंस करती हैं। मैं बड़ी अच्छी मिसाल अगर आपको दूँ तो देखिए, आपने मैकडोनल्ड्स का नाम सुना होगा, तो मैकडोनल्ड जो है वो आप ये कह सकते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में आई, KFC भी मल्टीनेशनल के तौर पे आया, लेकिन इन्होंने हमारे यहाँ मीट थ्रो करने के लिए या चिकन के लिए KNN को जो है चूज़ किया, उसको प्रोसीजर डेवलप करके दिया और वो भी एज अ ब्रांड अब खड़ा हो गया। तो ये भी इसका फ़ायदा है। अब इसमें अगर आप कहें कि जो आपका है एम्प्लॉयमेंट एडवांटेज, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट एडवांटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। यानी यू कैन सी दैट कि जॉब्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, यानी जॉब्स में इजाफा हुआ है, जॉब्स ग्रो हुई हैं। साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि आपकी जब मल्टीनेशनल आती हैं तो सिर्फ ये थोड़ी है कि प्रोडक्शन लेके आती हैं या मशीन के साथ रोबोट लेके आती हैं, नहीं, जॉब्स भी साथ लेके आती हैं। ये वजह है कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने CPAC पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। उसकी वजह ये है कि जितनी चाइनीज़ कंपनीज आएंगी वो सिर्फ यहाँ पे ये नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, साथ ही साथ ये भी है कि वो हमारे लोगों के लिए जॉब्स भी क्रिएट करेंगी, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को भी इन्हांस करेंगी। इसलिए इसके ऊपर हमने काफ़ी फोकस किया है। अब उसके बाद अगर आप आ जाते हैं कि इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये ऐसे मुल्कों में जाके प्रोडक्शन करते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल भी सस्ता मिले, लेबर भी सस्ती पड़े, एनर्जी रिसोर्सेज भी थोड़े सस्ते हों, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है आपकी वो भी मिनिमाइज हो जाए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपकी मिनिमाइज हो जाए, यानी प्रोडक्शन जो है वो कम से कम कीमत पे हो। यही वजह है कि सिर्फ आपको एक कंपनी नहीं, एक लिस्ट ऑफ कंपनीज नज़र आती हैं जो चाइना में काम कर रही हैं। मिसाल के तौर पे आपने नाम सुना होगा, सस्ते लैपटॉप बनाते हैं लिनोवो, तो लिनोवो जो है बेसिकली IBM है या उन्हीं का प्रोजेक्ट है जो लिनोवो ने टेक ओवर किया है। डेल चाइना में बनता है, पहले अमेरिकन कंपनी थी, ये अब चाइना में बनता है। अगर आप देखें तो इसी तरह आईफोन भी चाइना में बनता है। तो तमाम मैन्युफैक्चरिंग वहां ले जाते हैं जहां से कॉस्ट कम हो जाती है। अब कॉस्ट कम होगी तो नेचुरली इसका इम्पैक्ट किस चीज़ पे आएगा? इसका इम्पैक्ट जो है वो आपके कंपटीशन पे आएगा। और फिर ये है कि एक कंपनी जब कॉस्ट मिनिमाइज करती है तो बाकियों को भी करनी पड़ती है, कंपटीशन तो करने। और इससे
प्रोडक्शन टू फॉरेन मार्केट, आप फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करते हैं। उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया में आप जहाँ जाते हैं आपकी दो ही शर्तें होती हैं, कॉस्ट कम हो, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो। वहाँ से आप कंपोनेंट बनवाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, तो फिर जाहिर बात है वर्ल्ड वाइड आप कंपेटिटिव प्राइसेस पे प्रोडक्ट जो है वो दस्तयाब कर देते हैं, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ती है। और अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की सेंस में सोचें तो आपको एडवांटेज मिल गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, जो आपसे नहीं हो सकती थी। आपकी डोमेस्टिक मार्केट इन्हांस कर गई, जो आपसे नहीं हो रही थी। आप पास टेक्नोलॉजी की कमी थी, वो आपको मिल गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिल गई आपको। उसके साथ साथ एक वेल्थ गैप था, वो कवर हो गया आपका। मार्केट सपोर्ट आपको मिल गई, और बाकी इंडस्ट्रीज जो थी उनको भी मदद मिल गई, उनको भी मिल गया। और उसके अलावा जॉब मिल गई के लोगों, और फिर लेस कॉस्ट प्रोडक्शन हो गई। तो फिर आपको और क्या चाहिए, और आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ गई। तो जब इतना कुछ हो गया तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी है किसी मामले में पढ़ने, आपका तो सारा मसला ही हल हो गया। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के तौर पे देखें तो आपको इसमें एडवांटेज ही एडवांटेज है। फिर इसके साथ साथ ये भी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये आर फॉर प्रॉफिट एंटिटीज सीक्स एडिक्वेट रिटर्न। ये एडिक्वेट रिटर्न जैसे हासिल करना चाहते हैं, इसलिए भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट बड़ी सिग्निफिकेंस है लोअर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, चूंकि आप जानते हैं कि इनके पास बाकी चीज़ों के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा चीज़ कम है वो कैपिटल है। और दूसरी बात यह है कि जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनका एक, या लो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनका एक मसला ये भी, इन्हें पॉलिसीज वगैरह नहीं बनानी आती। तो जब मल्टीनेशनल इन मुल्कों में आती हैं तो इन्हें बताती पॉलिसीज सजेस्ट करती हैं कि आप अपनी इकोनॉमी को कैसे चलाएं, और इनको सजेशंस देती हैं कि सजेशंस कैसे दें ताकि मोर अट्रैक्टिव हो लोअर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। और फिर इसके अंदर एक ये भी चीज़ है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो अब एक इसके लिए मुस्बत अप्रोच रखती है, होस्टाइल अप्रोच नहीं रखती। तो इनके पास एक इंटरनेशनल इमेज बन जाता है आपकी बिजनेस इकोनॉमी का। लेकिन आप जानते हैं कि हर चीज़ के कुछ ना कुछ एडवांटेज हैं, अगर तो अल्टीमेटली उसकी दूसरी साइड की पिक्चर देखेंगे तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। आज तो तमाम मुल्क इस ख्वाहिश में हैं कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल उन मुल्कों में जाएं और कारोबार को इन्हांस करें वहाँ पे। लेकिन तारीख की रोशनी में कभी भूलना नहीं चाहिए कि मल्टीनेशनल ने नुकसान भी किए, फायदा है तो नुकसान भी है। मिसाल के तौर पे देखिए, मल्टीनेशनल जो है वो आम तौर पे एक स्ट्रेटजी लेके चलते हैं। बहुत ज़्यादा सरमाया होता है तो इनके कॉन्ग्लोमरेशन की स्ट्रेटजी होती है, जिसके अंदर जो लोकल कंपेटिटर नज़र आए उसे खरीद लो, उसे अपने अंदर जम कर लो, मर्ज कर लो, और उसके शेयर्स खरीद लो, उसके जो जितने एसेट्स हैं वो परचेज कर लो। इस तरह से मर्जर और इक्विजिशन की स्ट्रेटेजी है ज़्यादातर जो है, इक्विजिशन है कि कंपनी इक्विजिशन करते जाते हैं, खरीद के अपने अंदर जम कर लेते हैं, फिर मर्जर भी करते हैं। नतीजा ये है कि एक बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको ज़्यादातर जो चीज़ें मिलेंगी वो ये मिलेंगी कि आपकी जो मल्टीनेशनल है आप फील करेंगे कि ये ज़्यादातर जो काम कर रही हैं ये मोनोपलाइज कर रही हैं सिचुएशन को, और छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को ख़रीद के उनके जो अलग-अलग वजूद है या उनका कंपटीशन की जो कैपेसिटी है उसको होने ही नहीं देती, बल्कि उसको पहले ख़रीद के अपने अंदर जम कर लेती। इसके अलावा रेज कैपिटल इन होस्ट कंट्रीज बट एक्सपोर्ट द प्रॉफिट। कमाती सारा कहाँ पे है, आपके मुल्क में, लेकिन पैसा सारा कहाँ ले जाती हैं, पैसा सारा ले जाती हूँ अपने मुल्कों में, तो अपने मुल्कों में ले जाती हैं। प्लीज़।
अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर जो है रेस कैपिटल एंड होस्ट कंट्री के, होस्ट कंट्री में कैपिटल रेस किया जाए लेकिन उसे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ पे, आपके जो है वो दूसरे मुल्क में उसे शिफ्ट कर दिया जाता है। यानी अगर मैं काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में जैसे और पैसा यहाँ से कमा रहा हूँ, लेकिन जो मुनाफा आ रहा है वो तो जाहिर है अपने होम कंट्री में ये लोग ले जाते हैं, तो इससे काफ़ी इफेक्ट होता है। इसी तरह देखिए एक चीज़ है कि ये लोग एक्सप्लॉयट करते हैं उन कंट्रीज़ को या नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉयट करते हैं। जाहिर है जाते ही उन मुल्कों में जहाँ पे खूब कुदरती वसायल हैं, वाफर मिकदार में पानी है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर है भरपूर, तो ये उन मुल्कों में जाते हैं उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं और फिर नेचुरली उसको जो है वो मतलब इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको वेस्ट कर देते हैं। अब आगे अगर आप आ जाते हैं तो ये लिमिट करते हैं वर्कर्स वेज को। अपने मुल्क में ये लेबर लॉज को इतनी अच्छी तरह फॉलो करते हैं कि जी वेजेस अच्छी देते हैं, सरमाया अच्छा लगाना चाहिए, तो अपने मुल्कों में हर चीज़ बेस्ट करते हैं, लेकिन जब दूसरे के मुल्क में जाते हैं तो उस वक्त इनको जो है ना वो बजाय इसके कि कोई बेहतर जो है वो तरीक़ाकार अडॉप्ट करें, कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लेते हैं, ठेकेदार के ज़िम्मे काम लगा देते हैं और वर्क फोर्स जो है वो उनके अंडर कर देते हैं, और जो अच्छा कल्चर लेके आते हैं अपने मुल्क से बजाय उसके दूसरे मुल्कों में जाके लो वेज ऑफर करते हैं, एरोड करते हैं ट्रेडिशनल कल्चर, लोगों का एरोड होता है इसके साथ। अगर आप देखें तो जो जापानीज थे उन्होंने टेक्नोलॉजी को दूसरे मुल्कों में ट्रांसफ़र इसलिए किया था कि अगर हम अपने ही मुल्क में लोगों को एज एक्सपेक्ट्रिएट लेकर आते हैं तो नुकसान ये होता है कि ये लोग आएंगे तो ज़ाहिर है ये हमारे यहाँ शादियाँ भी करेंगे, हमारे यहाँ लोगों में मिक्सअप कल्चर भी बनाएंगे जिससे हमारा कल्चर ट्रबल में आएगा। तो उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि हम लोगों को यहाँ बुला के काम कराएं, हम टेक्नोलॉजी दूसरे मुल्कों में ले जाते हैं। लेकिन जब टेक्नोलॉजी लेकर दूसरे मुल्कों में आप प्रोडक्शन करने जाएंगे तो उनके कल्चर को तो आप इम्पेक्ट करेंगे ना, आपका कल्चर तो सेफ हो गया लेकिन उनके कल्चर पे तो इम्पेक्ट आएगा, तो नेचुरली जो है वो कल्चर डिस्टिंग्विश होता है। जैसे अगर आप एक बात गौर करें ना तो अमेरिकन एक ऐसी कौम थे जो सिर्फ वीट खाते थे, राइस नहीं खाते थे। इनके यहाँ बर्गर, बन, डबल रोटी ये ज़्यादा चलती थी, तो ये ज़्यादा गंदम पे गुजारा था इनका, राइस नहीं खाते थे। चाइनीज़ का ज़्यादा गुजारा राइस पे था, ये लोग वीट नहीं खाते थे। आज अमेरिकन राइस भी खा रहे हैं, वीट भी खा रहे हैं, और चाइनीज़ भी वीट भी खा रहे हैं, राइस भी खा रहे हैं, तो ये चेंज हो जाता है, तो ट्रेड कल्चर जो है वो इम्पैक्ट होता है। और कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि नेशनल सवरेनिटी जो है वो भी चैलेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो जो बरतानिया है, बरतानिया वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आया था आपके इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन उस कंपनी ने क्या किया, उस कंपनी ने ये किया कि पहले सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से भर्ती किए बड़ी तादाद में, फिर उनको बाहर से अपने बुलवा के ट्रेनर ट्रेन किया और एक बहुत बड़ी आर्मी बना ली, और ग्रेजुअली उस आर्मी की मदद से यानी लोकल नेटिव्स को भी मिलाया और बाहर से भी टैलेंट आया अपने मुल्क से, एक बड़ी आर्मी बनाई और पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया। तो ऐसा भी होता है। अगर आप देखें तो जो 11वीं सदी है उसके अंदर जो मंगोल हैं जिन्होंने के मुस्लिम रियासत पे हमला किया, उन्होंने भी यही किया कि पहले कारोबार की नीयत से आए बिजनेस करने के लिए और फिर आहिस्ता 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 सा अपनी पावर को बढ़ाया और फिर जो है मुस्लिम वर्ल्ड पर कब्जा करने की कोशिश की। तो ये भी एक नुकसान। अब आगे आ जाता है मोनोपलाइज द डोमेस्टिक मार्केट बाय मर्जर एंड अलाइंसेस। ये हम पहले कह चुके हैं कि इनके अंदर एक चीज़ ये होती है कि मर्जर एंड अलाइंसेस बहुत ज़्यादा करते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज को जम कर लेते हैं जिससे ये अपने आप को एज अ मोनोपलिस्ट सामने ले आते हैं। फिर आगे आ जाता है लोकल रेजिडेंट्स गेट लिमिटेड बेनिफिट्स, तो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको लिमिटेड बेनिफिट्स और प्रॉफिट मिलता है होम कंट्री से, और इसके ऊपर एक सोशल
इम्पैक्ट भी क्रिएट होता है, कल्चर में चेंज आता है, ये भी एक इशू है, और इन्वॉल्व होता है हाई राइट अब्यूजेस ऑफ द लेबर। और आप ये जानते हैं कि देखिए प्रॉफिट तो ऑब्वियसली इन्होंने घर से यहाँ से उठा के अपने मुल्कों में ले जाना है, लेकिन कल्चर को इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करना है, और लोकल लेबर को जो है खासा अब्यूज़ करते हैं ये लोग, मिसयूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, एक बहुत बड़ा मसला है कि मल्टीनेशनल के आपके मुल्क में आने से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बड़ी तेज़ होती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बहुत तेज़ होती है। अगर आप देखें तो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का सबसे जो बड़ा और इशू है वो है टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। अब टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस जो करते हैं तो होता ये कि जो एम्पेरिकल रिसर्च है वो साबित करती है कि जहाँ जहाँ मल्टीनेशनल जाती हैं वो अपने साथ टेक्नोलॉजी लेकर जाती हैं, इससे इन्हेंस होती हैं लोकल कैपेबिलिटीज ऑफ द लोकल मैन्युफैक्चरर्स। जैसे अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो हैं इन्होंने 80s तक जो है इन्हें सड़क भी बनानी नहीं आती थी, हम पाकिस्तानी 80s तक सड़क भी नहीं बनानी जानते थे, एक तरफ से GT रोड बनता था दूसरी तरफ टूटा होता था। 90s में गालबन किसी गवर्नमेंट ने आकर जो है वो एक कोरियन कंपनी से मुआहदा किया, और फिर एक जो है वो टर्की के साथ मुआहदा किया M1 के लिए, पेशावर के लिए। इसका मुआहदा इस तरह से किया गया, और जो लाहौर का जेल रोड है इसका मुआहदा एक फ्रांस की कंपनी से किया गया, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शरायत रखी गई थी। वो शरायत ये थी कि एक तो ये कि आप सुपरवाइज करेंगे लेकिन जो फील्ड वर्क है वो हमारी लोकल कंपनीज करेंगी, आप सुपरवाइज करेंगे लेकिन जो टेक्नोलॉजी लाएंगे वो इधर ही आपको डंप करके जानी है, रीसेल करके जानी है। इससे अपनी लोकल कंपनीज को ट्रेंड कराया गया, और जब लोकल कंपनीज ट्रेंड हो गई तो फिर फैसलाबाद मोटरवे जो है ये खुद बनाई गई। तो इसका ये बड़ा फ़ायदा है कि मल्टीनेशनल जब आती हैं तो जो काम आपको नहीं आता वो भी सिखा जाती हैं। उसके बाद से पाकिस्तान ने जो रोड बनाने का और जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी बेटर हुई है, और फिर सेल्स एंड स्पोर्ट मर्ज जो है ये सेल्स एंड स्पोर्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है ये भी इन्हांस करते हैं लोग, और इंटरनेशनलाइज कर देते हैं आपकी लोअर डेवलपिंग कंट्रीज़ को, कि वो टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड होकर सामने आ जाते हैं। इसकी मिसाल चाइना की है कि जब ये चले थे तो चाइनीज़ बहुत बैकवर्ड थे, लेकिन जब मल्टीनेशनल आके इन्वेस्टमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सस्ती लेबर के लिए, तो फिर वही जो चाइना है वो आज एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे सामने आ रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में एक तो आप जानते हैं कि इनोवेशन है, प्रोडक्शन में जिद्दत आती है, न्यू वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को ये इम्प्रूव करते हैं और बिल्कुल नए तरीके के साथ लेके चलते हैं। जैसे आज का ज़माना जो ई कॉमर्स का है, ई बिज़नेस का है और इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का है, तो इसने इसके अंदर बड़ा रोल प्ले किया है। इसके बाद ये मॉडलिंग एनालिटिकल टूल्स लेके आते हैं जो कि आम तौर पर एशियन कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास बहुत कम है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ये काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं और स्टैंडर्ड्स बड़े अच्छे सेट करते हैं, और उसके साथ साथ न्यू नॉलेज एंड लर्निंग जो है आपकी इन्हांस करते हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मल्टीनेशनल का आपकी बिजनेस इन्वायरमेंट पे। लेकिन टेक्नोलॉजी के अतबार से भी अगर आप देखते हैं तो थोड़े से ड्रॉबैक्स आते हैं। मिसाल के तौर पर टेक्नोलॉजी के लिए एंगल से अगर आप देखते हैं तो टेक्नोलॉजी तो लाते हैं लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस का मसला पैदा कर देते हैं, यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इसी तरह टेक्नोलॉजी यूज तो यूज करते हैं लेकिन लोकल लेबर लॉस की परवाह नहीं करते, और मोनोपोलिस तो फिर नेचुरली पहले भी बात हो चुकी है कि करते हैं, और कार्टल्स बनाते हैं मर्जर और एक्विजिशन से, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस भी क्रिएट करते हैं, यानी सियासी तौर पे भी बस दबाव ये लोग डालते हैं। सवाल है आयशा का कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं क्या ये जो हैं
सवाल है आयशा का, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं क्या ये डायरेक्ट हमारे जीडीपी पे असर अंदाज होती हैं या नहीं होती? तो मैं बस एक मिनट में इसका जवाब देता हूँ, बस होल्ड। जी बच्चों, हम बात ये कर रहे थे कि जो सवाल है आयशा का, वो सवाल ये है कि अगर जीडीपी एक्सटेंड होता है या आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो उसका जीडीपी पे क्या असर पड़ता है। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी मुल्क में जितना भी फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा, जितना भी फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा
उतना ही ज़्यादा जो है आप ये कह लीजिए कि आपके मुल्क में जो है वो ज़रे मुबादला ज़्यादा है, इसका सबसे पहला इम्पैक्ट तो आपके एक्सचेंज रेट पे पॉजिटिव पड़ता है। ठीक है जी, एक्सचेंज रेट पे असर बड़ा पॉजिटिव पड़ता है, तो पहला इम्पैक्ट तो यहीं से आना शुरू हो जाता है। फिर उसके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी हैं, और फिर उसकी जो आपकी प्रोडक्शन होनी है आपके मुल्क में, जाहिर है आप जीडीपी किसको कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के बढ़ने को, तो जब आपकी गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होंगी आपके मुल्क में तो जीडीपी अल्टीमेटली क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, उससे भी इम्पैक्ट आएगा, आपकी करेंसी की वैल्यू बेटर होगी, उससे आपको रॉ मटेरियल दुनिया से सस्ता मिलेगा, उससे भी आपको इम्पैक्ट आएगा। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट भी है और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी है। इससे सबसे पहला असर एक्सचेंज रेट पे पड़ेगा, उसके बाद जीडीपी पे पड़ेगा, एक्सपोर्ट पे पड़ेगा, टेक पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें लेके आपके जीडीपी को बेहतर करेंगी और इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। यानी अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आ जाए तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत बेटर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास फॉरेन करेंसीज ज़्यादा होंगी, इनफ्लो ज़्यादा होगा फॉरेन करेंसीज का। अच्छा, लेकिन अगर आप देखें कि MNC इश्यूज जो रिलेटेड हैं पर्टिकुलरली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये कहते हैं कि देखिए कंपटीशन पॉलिसी में जो मामला आ रहा है वो ये आ रहा है कि मार्केट पावर सारी की सारी रन कर रही है, अलायंसेस वायलेट कर देते हैं, मल्टी एंटी मोनोपोली लॉज बनाने पड़ते हैं क्योंकि अलायंसेस करते हैं, तो ये एक इशू पैदा होता है। उसके साथ साथ ये टैक्स अवॉइडेंस एक बड़ा मसला बन जाता है कि मल्टीनेशनल का कुछ काम एक मुल्क में हो रहा है, दूसरा काम एक और मुल्क में हो रहा है। अब मसला ये कि इसको किस टैक्स लॉ के तहत लाना है, ऑल्दो कंट्रीज ने इसके बड़े मॉडर्न सॉल्यूशन निकाले हैं, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस एक बड़ा इशू है। उसके बाद है हाउ टू रेगुलेट, इन्हें रेगुलेट कौन करेगा, क्या डोमेस्टिक गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी या होस्ट गवर्नमेंट, जिस जगह कारोबार कर रहे हैं वो करेंगे या जहाँ से आए हैं वो करेंगे, ठीक है, और मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस रन करेंगे या कंट्री इन विच दे ऑपरेट, कौन इन्हें रन करेगा, ये एक मसला है। तीसरी चीज जो है वो है लेबर का एक्सप्लॉयटेशन, इन्वायरमेंट का एक्सप्लॉयटेशन, फिर टैक्स से जो फ़ायदा देते हैं उसका फ़ायदा ले रहे हैं, और फिर उसके बाद ये है कि कल्चर को अरोड कर रहे हैं डायरेक्टली, और हेल्थ एंड सेफ्टी मेयर्स अवॉइड करते हैं, जबकि अपने मुल्कों में ये बड़े अच्छे हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स रखते हैं, लेकिन जब ये आते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो चीपर लेबर के चक्कर में चीप लेबर, चाइल्ड लेबर भी यूज़ करते हैं, ह्यूमन राइट्स को भी वायलेट कर देते हैं, तो ये अक्सर इनके साथ ये भी मसला होता है। लॉबिंग करके लोकल और नेशनल गवर्नमेंट्स पे प्रेशर भी ये लोग बढ़ाते हैं और अपनी मर्ज़ी के इकदाम भी कराते हैं, और अफ्रीका में जो नेगेटिव नज़र आया वो ये है कि अफ्रीकन चाहते थे कि जो मेडिसिन है एड्स की वो लोकली मैन्युफैक्चर हो, क्योंकि अगर लोकली मेडिसिन मैन्युफैक्चर होती है तो वो सस्ती भी होगी, उसका फ़ायदा भी होगा, लेकिन जो मल्टीनेशनल थी वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पे ये मैन्युफैक्चर हो, लिहाजा उन्होंने नहीं होने दी, और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हुई वो भी हमारे सामने है। तो ये इस तरह से दबाव भी डालते हैं। अब आ जाता है मसला दो चीज़ों का कि जहाँ मल्टीनेशनल आएंगी वहाँ पे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी होंगे और कोलैबोरेशंस भी होंगे। अब कोलैबोरेशन और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस दोनों में एक नुमाया फ़र्क है। मिसाल के तौर पे स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू आर मोर मल्टीनेशनल, ये दो या दो से ज़्यादा मल्टीनेशनल के दरमियान जो है एक मुआहदा है जो परस्यू करता है सेट एग्रीड ऑब्जेक्टिव्स को, के जो एग्रीड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके मुताबिक के आप ये कहिए कि यू कैन से दैट के इसके अंदर होता ये है कि जो आपकी दो कंपनीज हैं मल्टीनेशनल वो मिलके एक सेट एग्रीड ऑब्जेक्टिव जो है उसे हासिल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसके अंदर दोनों ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना नेम है लोगो है वो चेंज नहीं होता। यानी दोनों कंपनीज इंडिपेंडेंट रहती हैं लेकिन अपने जॉइंट एम्स के लिए मिलकर काम करती हैं। दूसरी तरफ दो या दो से ज़्यादा कंपनीज मिलकर एक जॉइंट वेंचर करती हैं और जॉइंट वेंचर करके जो है वो गोल्स को अचीव करने की कोशिश करती हैं विद इन सेम स्पेसिफिक बजट एंड
रिसोर्सेज के जो दोनों कंपनीज हैं मिलकर एक एक थर्ड न्यू ब्रांड लॉन्च कर देती हैं जो उनका कोलैबोरेटेड वर्क होता है और उसके लिए बजट भी एलोकेट करते हैं। तो कोई भी ऐसा जॉइंट वेंचर, इसको हम कोलैबोरेशन कह सकते हैं। तो रिजल्ट इसका क्या होता है, देखिए इससे ग्लोबल कंपटीशन बढ़ता है। लार्ज कंपनीज जो हैं वो बाज़ जगह पे जॉइंट वेंचर भी करती हैं, जैसे मित्सुबिशी एंड कैटरपिलर, इसी तरह फिलिप्स एंड मित्सुबिशी का जॉइंट वेंचर हुआ। कन्वर्जेंस भी होती है इंडस्ट्रीज में, दो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज मिलके एक इंडस्ट्री बन जाती हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी अचीव किए जाते हैं, यानी कॉस्ट मिनिमाइज की जाती है और रिस्क को रिड्यूस किया जाता है या रिस्क को शेयर किया जाता है, आपस में रिस्क बांट लिया जाता है कंपनीज के दरमियान। तो ये इसका इम्पैक्ट आता है। अब देखा जाए अगर के मल्टीनेशनल कंपनीज के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, तो देखिए अगर इसके करैक्टरिस्टिक्स को मैं असेस करता हूँ, तो एक तो सबसे पहली बात ये है कि ये दे आर सो लार्ज इन साइज, ये काफ़ी बड़े साइज़ की कंपनीज होती हैं, इनका हजम खासा बड़ा होता है। लेकिन मैं करैक्टरिस्टिक्स पर जाने से पहले एक छोटा सा रिदम ब्रेक आपको दे देता हूँ। लेट से यू टेक टू टू फोर मिनट्स लें और आप ज़रा रिदम ब्रेक कर लें, अपने नोट्स को अपडेट कर लें और गो थ्रू कर लें मैंने पहले क्या क्या पढ़ाया, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ इसको। जी बच्चों, मैंने कहा थोड़ा सा रिदम ब्रेक दिया जाए ताकि आप लोग जो हैं वो थोड़ा सा ज़रा फ्रेश भी हों, साथ साथ ज़रा जहन को रिलैक्स भी करते जाएं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इनके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। करैक्टरिस्टिक्स हम खसूसियात को कहते हैं कि इसके अंदर क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव, सबको एक ही जगह ले आएँ कि इसके अंदर फीचर्स क्या पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा है, ह्यूज कैपिटल है। मैंने जैसे पहला कहा कि दुनिया की सिर्फ 300 कंपनीज हैं और दुनिया के ओवरऑल रिसोर्सेज का
25% होल्ड करती हैं, फिर इनके पास टेक्नोलॉजी है और इनके पास ट्रेंड पीपल हैं और इंफॉर्मेशन है इनके पास, ले हाईली एफिशिएंट हैं और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि दीज आर द बिग कंपनीज, लार्ज इन साइज, इन सेंस ऑफ कैपिटल, इन सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। मल्टीनेशनल या मल्टी कंट्रीज ऑपरेशन है, इनका ऑपरेशन एक मुल्क में नहीं है, इनका ऑपरेशन कई डिफरेंट मुल्कों में फैला हुआ है। इनकी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सर्विसेज ऑपरेशन पूरी दुनिया में फैल चुका है और ये एक बहुत बड़ा लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज कवर करते हैं और इनके पास एसेट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जो कि दो या इससे भी ज़्यादा कंट्रीज़ में ये एक्सपेंडेड है। इनके ऑब्जेक्टिव एक नहीं, इनके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको ये परस्यू करते हैं, एक नहीं दो नहीं, न्यूमरस ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको ये परस्यू करते हैं। मिसाल के तौर पे ये सेस करते हैं न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को, एक्सपेंड करते हैं मार्केट साइज को अपने लिए, ये चीप रॉ मटेरियल से कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं और कंपटीशन में फ़ायदा लेते हैं उसका, और ना सिर्फ ये कि कंपटीशन लेते हैं बल्कि उस कंपटीशन को सस्टेन, उसका कंपेटिटिव एज को सस्टेन भी करते हैं। ये चीप रिसोर्सेज ऑफ लेबर को इस्तेमाल करते हुए कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, एनर्जी कॉस्ट को रिड्यूस करके कंपटीशन विन करने की सलाहियत रखते हैं। ये एक माहौल में काम नहीं करते, ये वेरियस इन्वायरमेंट्स में काम करते हैं, यानी किसी एक इन्वायरमेंट में नहीं, मल्टीपल डिफरेंट इन्वायरमेंट में ये अपना काम जो है वो करते हैं, नॉट इन वन, इन मैनी डिफरेंट इन्वायरमेंट्स पूरी दुनिया में, जिसके लिए ये किसी एक चीज़ को फेस नहीं करते, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि ये जिसके लिए जो है वो एक ऐसी माहौल में या इतने मुख्तलिफ माहौल में काम करते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम मुख्तलिफ है, लीगल सिस्टम मुख्तलिफ है, इकोनॉमिक सिस्टम मुख्तलिफ है, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट मुख्तलिफ है, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे सऊदीया में काम करते हैं जहाँ किंगडम है, ठीक है जी, कोरिया में काम करते हैं जहाँ डिक्टेटरशिप है, अच्छा फिर उसके बाद पाकिस्तान आते हैं जहाँ डेमोक्रेसी है, तो ये मुख्तलिफ माहौल को फेस करते हैं। ऐसे मुल्कों को भी जाते हैं जहाँ पर जो है वो कैपिटलिज्म है, मार्केट इकोनॉमी है, ऐसे भी मुल्क है जहाँ पे ये जाते हैं जहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी है या सोशल इकोनॉमी है। इसी तरह डिफरेंट कल्चर्स में प्रिवेल करते हैं, इनका मसला ही ये है कि इन्हें मुख्तलिफ कल्चर्स में काम करना होता है, इनकी लेबर फोर्स भी बड़ी डायनेमिक होती है जो मुख्तलिफ ज़बानों में काम करती है और मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सकती है। अच्छा, आज के दौर में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक जो वर्कफोर्स है या एक जो मैनेजर लेवल का या अच्छा क्वालिफाइड आदमी है उसको तीन लैंग्वेजेस में महारत हो और तीन लैंग्वेजेस में वो कम्युनिकेट कर सकता हो, ये कॉमन सी बात है। आप अमेरिका चले जाएं तो वहाँ पे आम तौर पे जो यूज़ होती है वो इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच। कैनेडा में इंग्लिश फ्रेंच बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, अगर आप फ्रांस चले जाएं तो फ्रेंच है, इंग्लिश है और आई थिंक डच है, आम बात है। आप ये अरब कंट्रीज़ में चले जाएं, अरेबिक, इंग्लिश और उसके अलावा जो है आपको फ्रेंच आती हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है कि दुनिया सारी नहीं, अब ये आम सी बात है कि एक इंसान को दो या तीन ज़बानों में महारत होनी चाहिए। इसके बावजूद भी मल्टीनेशनल जो है मुख्तलिफ मुल्कों में फैली हुई होती हैं, लेकिन इनका जो है ये सेंट्रलाइज्ड ओनरशिप और कंट्रोल सिस्टम होता है, यानी कंट्रोल सिस्टम जो है सेंट्रलाइज्ड है, एक जगह से बैठ के पूरे के पूरे निज़ाम को ये लोग कंट्रोल करते हैं, मल्टीपल करेंसीज में डील करते हैं। और आप जानते हैं मल्टीपल करेंसीज में डील करना, हम तो सिर्फ मल्टीपल करेंसीज कहते हैं लेकिन ये ईजीएस्ट जॉब नहीं है, इसमें ट्रांसलेशन में बड़ा मसला आता है, इसलिए कि हर रोज़ाना ही करेंसीज हैं, कोई वैल्यू कम होती है, कोई ज़्यादा होती है,
आप सोचिए, आपके पास रुपए हैं तो आपको सिर्फ ये फिक्र है कि रुपए की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन जिसके पास मल्टीपल करेंसीज हैं वो ये सोचता है कि किस कोई करेंसी ऐसी ना हो जिसकी प्राइस अचानक डिक्लाइन कर जाए। अगर ऐसा है तो इससे पहले ही हम उस करेंसी को किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर दें। अगर ऐसा है तो उस करेंसी को पहले ही किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर दें ताकि उससे भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। अब इसके अंदर अगर आप कहते हैं कि इसके अंदर एक चीज़ है हाई एफिशिएंसी, कि हाई एफिशिएंसी को अचीव किया जा सके। हाई एफिशिएंसी आप जानते ही, एफिशिएंसी दो सेंस में, टाइम बचाना, कॉस्ट बचाना और काम अच्छा करना, इसको हम हाई एफिशिएंसी कह सकते हैं। क्यों क्यों जी? अब हाई एफिशिएंसी में क्या हो सकता है, मास प्रोडक्शन हो लीडिंग टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कॉस्ट मिनिमाइजर। आप जानते हैं हम जब लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व बनाते हैं तो कैसी होती है, इस तरह की होती है, जितना आप ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाओगे कॉस्ट मिनिमाइज होती चली जाएगी। एक ऐसे स्केल पे या इतने लेवल पे जाके प्रोडक्शन की जाए कि कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाए। अगर यहाँ मेरे एक्स एक्सिस हैं, अगर यहाँ पे मेरे एक्स एक्सिस हैं ये, तो कॉस्ट बिल्कुल एक मिनिमम टू मिनिमम लेवल पे चली जाए, यानी इट्स अराइज समवेयर हेल्थ वेरी मच मिनिमम लेवल, बहुत ज़्यादा कम से कम हो जाए। और फिर इसके साथ ये भी चीज़ है कि यूज़ द एडवांस टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, कि टेक्नोलॉजी एडवांस की जाए ताकि स्पीड ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और फिर उसके बाद प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग स्किल्स, अपनी प्रोफेशनल मैनेजमेंट और मार्केटिंग स्किल्स को इस्तेमाल किया जाए ताकि उससे भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मल्टीनेशनल के हवाले से हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आके दो ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। एक टॉपिक ये है कि हम जितनी भी कंपनीज हैं वो क्यों इंटरनेशनलाइज होना चाहती हैं, क्यों डिफरेंट मुल्कों में जाती हैं, तो इंटरनेशनलाइजेशन कैसे करती हैं। तो इंटरनेशनलाइजेशन के क्या बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनलाइज होना चाहती हैं कंपनीज, एमएनसीज। दूसरी चीज़ ये है कि आम मुशाहदा क्या है कि कंपनियां किस तरह इंटरनेशनलाइज हुई, किस तरह कंपनियों ने अपने आप को इंटरनेशनलाइज किया, इसके लिए कुछ मॉडल्स हैं। वो मॉडल्स बताते हैं कि किस तरह से कंपनियां जो हैं वो लोकल मार्केट से निकली और इंटरनेशनल मार्केट में पहुंची। कंपनियां किस तरह से लोकल मार्केट से निकली और इंटरनेशनल मार्केट में पहुंची। इस हवाले से हमारे पास एक तो इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस थ्योरी है। इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस थ्योरी ये कहती है कि कोई भी फर्म जो है, लेट मी चेंज द इंक, ग्रीन ठीक रहेगी। अच्छा, तो सबसे पहली स्टेज में एक कंपनी जब बनती है तो वो कोई एक्सपोर्ट नहीं करती, लोकल मैन्युफैक्चरर होती है। मैं बाज़ बात देखता हूँ, जैसे टोयोटा कंपनी है तो जापान के लिए गाड़ियाँ बना रही थी, एक्सपोर्ट बाद में उन्होंने किया। इसी तरह मर्सिडीज़ भी जर्मनी के लिए गाड़ियाँ बनाती थी, बाद में उन्होंने एक्सपोर्ट किया। तो पहले स्टेज में नो एक्सपोर्ट, लोकल मार्केट। फिर एक वक्त आता है कि दे गो थ्रू एंड हायर एन एजेंट इन अनदर कंट्री, दूसरे मुल्क में वो एजेंट ले लेते हैं और उस एजेंट के वाया एक्सपोर्ट करते हैं, उस एजेंट के वाया एक्सपोर्ट करते हैं। तो तीसरी स्टेज आती है जहाँ पे वो फिर जॉइंट वेंचर की तरफ आ जाते हैं। यानी जॉइंट वेंचर का मतलब ये है कि मिल के कारोबार किया जाए किसी को साथ में ला के, इस तरह वो पैर जमाते हैं। और उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वो ख़त्म होने के बाद या उसकी एक उम्र तकमील के बाद होली ओन सब्सिडरीज लॉन्च करते हैं दूसरे मुल्कों में जाके, या किसी के साथ फ्रेंचाइज करते हैं। तो आप ये कहते हैं कि एक मॉडल ये कहता है कि पहले नो एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट वाया एजेंट पे जाते हैं, फिर जॉइंट वेंचर्स पे जाते हैं और फिर ये होली ओन सब्सिडरी की तरफ आते हैं। तो एक थ्योरी ये कहती है, लेकिन थ्योरीज आम तौर पे आप ये कहते हैं, जी जवेद मैं आज कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है आज ही कर दूंगा। तो ये
बास कंपनीज है, ये एक थ्योरी है, ठीक है जी, एक एंगल है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये फाइव स्टेज से होकर जाती है। फाइव स्टेज में सबसे पहली स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे इंटरनेशनल कंपनी के लिए, यानी अगर कोई कंपनी लोकल से नो एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट की तरफ जाती है, इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ जाती है, तो पांच स्टेप लेती है। पांच स्टेप से सबसे पहला स्टेप है इंटरनेशनल मार्केटिंग स्कोप एंड फ्रेमवर्क। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केटिंग स्कोप एंड फ्रेमवर्क बनाया जाता है। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड स्कोप बनाया जाता है। फिर दूसरी स्टेज एक ऐसी आती है जिसमें इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश की जाती है। मींस दे एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ये इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है बकायदा तौर पे एस्टैब्लिश की जाती है। फिर एक वक्त आता है जिसके अंदर इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है। यानी पहला काम ये है कि इसका स्कोप और स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क सोचा जाए, थिंकिंग, फिर उसकी इन्वायरमेंट को समझा जाए। बड़ा ही बेवकूफ़ आदमी होगा जो किसी जगह जाए लेकिन उधर का माहौल को पहले रीड ना करे। इसी तरह बिजनेस भी ऐसे ही है कि पहले स्कोप डिसाइड करो कितने बड़े पैमाने पे जाना चाहते हो, फिर इन्वायरमेंट का एनालिसिस करो क्या ये माहौल आपके लिए साजगार है या नहीं है, फिर माहौल को समझने के बाद आप फाइनली हिकमत अमली बनाते हो जिसको आप स्ट्रेटेजी कहते हो या प्लान कहते हो। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री स्ट्रेटेजी सोचते हो कि एंटर कैसे होना है, ठीक है जी, तो हाउ टू एंटर इन द मार्केट। इसके लिए आपने वाटर फाइव फोर्सेस भी पढ़ा था, और आपको याद होगा आपने जो है वो कम्पेटिटिव स्ट्रेटेजीज भी पढ़ी थी जिसके अंदर लो कास्ट लीडरशिप, क्वालिटी लीडरशिप और उसके अलावा जो है क्वालिटी फोकस। अगर मैं आपसे कहूं कि ये लास्ट लेक्चर की भी बात, ज़्यादा कोई पुरानी बात नहीं है, लास्ट लेक्चर में ये सारी पढ़ाई थी, तो ये आप स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हो और फिर आप अलाइन करते हो अपनी स्ट्रेटेजी और परफॉर्मेंस को कि जो स्ट्रेटेजी रखी है उसके मुताबिक आपकी परफॉर्मेंस हो, यानी आप इवेल्यूएशन भी करते हो। इस तरह से फर्म्स ने फाइव स्टेज प्रोसेस के तहत इंटरनेशनल मार्केट में निकलती हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वे। तो ये आपके सामने मॉडल्स आ गए। अब आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ गोइंग मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल बनने में फायदा क्या है कंपनीज को? देखिए, मल्टीनेशनल क्यों होना चाहती है हर कंपनी? कहते हैं जी, एक बात तो ये है कि मल्टीनेशनल होने से ओनरशिप ऑफ सुपीरियर टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है जी, सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट आप बना पाते हैं। दूसरी चीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, हैवीली R&D पे आप काम करते हैं और फिर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कर पाते हैं आप इनोवेशन की वजह से दूसरों के साथ, दूसरे मुल्कों में, ठीक है जी। और मैनेजेरियल स्किल्स का जो फायदा है वो तो आपके पास पे डेफिनेटली है ही है। फिर लोकेशन एडवांटेजेस हैं, वो कैसे? जब आप मल्टीनेशनल होते हैं तो फिर आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, फंड ज़्यादा होते हैं, उसके साथ साथ आप पास रिलेटिवली चीप लेबर होती है, सस्ती लेबर होती है और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज बेटर हो जाती है आपके पास, क्योंकि जहाँ से आपको अच्छे और सस्ते रिसोर्सेज मिलते हैं आप ले जाते हैं। और फिर उसके बाद ये कि फॉरेन कंट्री अवॉइड करते हैं टू अवॉइड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड ट्रैफिक, कि आप फॉरेन कंट्रीज में कारोबार इसलिए भी करते हैं कि जहाँ से एक मुल्क से बना के दूसरे में भेजेंगे तो आपको ट्रैफिक कॉस्ट भी पेयर करनी पड़ेगी, उससे भी आपकी बचत होती है। तो इसलिए आप कहते हैं कि मल्टीनेशनल होना चाहिए, नेशनलाइज होना चाहिए, ठीक है जी। और फिर आप जब इन मुल्कों में जाते हैं तो यहाँ की गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स भी देती हैं जिससे आप फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो बहुत सारे एडवांटेजेस और भी हैं, जैसे कि जब आप दूसरी मार्केट में जाते हैं
तो बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू रिसोर्सेज आपके सामने आते हैं। इसमें लेबर रिसोर्सेज हैं, न्यू आइडियाज़ हैं, न्यू टेक्नोलॉजी हैं। अब जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि सुजुकी कार मैन्युफैक्चरर जो हैं, अपनी गाड़ियों की हेडलाइट अब ज़्यादातर मलेशिया में ही बनाते हैं। जब से वो मलेशिया में बिज़नेस लेकर गए, उन्हें पता चला यार ग्लास इंडस्ट्री इधर की अच्छी है, तो इतनी महंगी बनाने की बजाय यहाँ से सस्ती ले लो। मार्केट शेयर आपका बढ़ता है। इमेज बढ़ने की वजह से आपकी जो शेयर्स की वैल्यू है, एसेट्स की वैल्यू है, वो भी बढ़ती है। उसके साथ साथ आपकी नॉलेज और टेक्नोलॉजी, नॉलेज भी बढ़ता है, टेक्नोलॉजी भी बेहतर होती है। जिस मुल्क में जाते हैं ज़ाहिर है वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के आएंगे ना आप। ग्रेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपको मिलती है। मोर कॉम्पिटिशन एंड एडवांस लर्निंग, आपको कॉम्पिटिशन ज़्यादा मिलता है, एडवांस लर्निंग आपकी होती है। उसके साथ साथ जो है आपको रिस्क इन्वायरमेंट विद मोर रिवॉर्ड, रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन लोगों मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड, जितना रिस्क लेते हैं उतना रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है। आपको लोकल की बजाय इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, फिर आपके पास ज़्यादा स्किल्स और ट्रेनिंग, आपको ज़्यादा स्किल्स मिल जाती है, ज़्यादा ट्रेनिंग मिल जाती है, और फिर इंटरनेशनल फाइनेंस और जो मैनेजमेंट मार्केटिंग एडवांटेज हैं वो इसके अलावा हैं जो आपको मिल जाते हैं। इसलिए फर्म्स हैं वो इंटरनेशनल फर्म्स बनना चाहती हैं, यानी अपने कारोबार को एक्सटेंसीफाई करके इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहती हैं। अब अगर आप देखें तो हमने काफ़ी हद तक मल्टीनेशनल को कवर कर लिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कवर कर लिया, थोड़ा सा इस बात पर भी फोकस कर लिया जाए कि क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ही टाइप की होती है, मुख्तलिफ टाइप्स की होती है। देखिए इसके अंदर अगर आप टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, हम इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो अगर हम ये देखते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन हम किस किस चीज की करते हैं, तो देखिए इसके अंदर एक तो हमारी जो है वो आ जाती हैं हॉरिजॉन्टल FDI और दूसरी जो है हमारी आ जाती है वर्टिकल FDI। तो इसको आप कह सकते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ये हमारी पहली क्लासिफिकेशन। एक और क्लासिफिकेशन है, इसको आप वन कह दीजिए, इसको आप क्लासिफिकेशन टू कह दीजिए। तो जो सेकंड क्लासिफिकेशन है उसके अंदर आप इसको दो हिस्सों में ही बांटेंगे, लेकिन आप इसको कहेंगे ग्रीन फील्ड FDI and brownfield FDI, दो तरह की हो गई। अब जो पहली क्लासिफिकेशन है उसको horizontal और vertical FDI। देखिए जो horizontal FDI है इसके अंदर ये होता है कि एक
एक कंपनी जो है वो एक प्रोडक्ट के अलावा मिलते जुलते दूसरे प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं। तो हम कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल है। इस तरह से हॉरिजॉन्टल है कि जैसे एक कंपनी आपके मुल्क में आती है और कंप्यूटर प्रिंटर बनाती है, थोड़े दिनों बाद वो लेज़र में भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेज़र बनाने शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं तो वो कंप्यूटर मॉनिटर्स बनाने शुरू कर देते हैं, स्कैनर बनाने शुरू कर देते हैं। इस तरह ये तीन चार मुख्तलिफ जगह पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, एक दो तीन चार मुख्तलिफ जगह पे इन्वेस्टमेंट ऐड करना शुरू कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि ये आपके जो हैं वो तीन डिफरेंट डायरेक्शंस में आपने काम किया। लेकिन बाज़ुकात ऐसा होता है कि हम इस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि स्कैनर बना रहे हैं, कंप्यूटर बना रहे हैं, लेज़र बना रहे हैं, प्रिंटर बना रहे हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल काम कर रहे हैं। बाज़ुकात ऐसा होता है कि हम वर्टिकल इन्वेस्टमेंट करते हैं। वर्टिकल इन्वेस्टमेंट इस तरह से है कि अगर हम मिल्क प्रोड्यूसर हैं या हम फ़र्ज़ कर लीजिए कार मैन्युफैक्चरर हैं, तो कार बनाने के लिए जो व्हील हैं, जो टायर हैं, वो भी बनाने शुरू कर दिए ताकि रॉ मटेरियल भी अपना हो। ये सबसे अच्छी मिसाल यूँ दे सकता हूँ कि अगर आप जैम्स बनाते हैं, ठीक है जी, अगर आप जूसेस बनाते हैं जैसे मिचल्स हैं, जैम्स और जूसेस बनाते हैं, तो उन्होंने आगे यानी कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने पास ही रख लिया, स्टोर भी अपने बना लें, शॉप भी अपनी बना लें जहाँ पे बेचना, ठीक है जी। और अपवर्ड और बैकवर्ड दोनों सप्लाई चेन अपने हाथ में ले हैं, जैसे कि शुगर फैक्ट्री भी अपनी लगा लें और बागात भी अपनी ले लें। तो ये वर्टिकल, मुख्तसरन ये कि वर्टिकल उसको कहेंगे जिसके अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उस प्रोडक्ट के बैकवर्ड चेन यानी रॉ मटेरियल सप्लाई वगैरह भी अपने हाथ में ले लें, और अपवर्ड चेन यानी डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने हाथ में, सेलिंग भी अपने हाथ में। तो ये आपकी वर्टिकल ग्रोथ होगी, वर्टिकल इन्वेस्टमेंट। और हॉरिजॉन्टल ये होगी कि मिलते जुलते दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनाने शुरू कर दें। जितने आप मिलते जुलते प्रोडक्ट्स बनाते जाएंगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, उतना आप ज़्यादा जो है वो ग्रो करते चले जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर। इससे आगे चलेंगे तो ये डिटेल आपको सारी मैंने दी है, ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे आगे चलेंगे तो देखिए, ये जैसे अगर आप ये देखें तो ये वर्टिकल है, यानी आप गैराज भी अपना ले रहे हो, कार भी अपनी ले रहे हो, इम्पोर्ट भी हो कार के, मैन्युफैक्चरर भी हो, सप्लायर भी हो, अगर इस तरह हर चीज़ अपनी लेते जा रहे हो तो वर्टिकल है, ठीक है। लेकिन आप एक कार बना रहे हो, दूसरी भी कार बना रहे हो, तीसरी भी बना रहे हो, तो ये हॉरिजॉन्टल है। गाड़ियाँ मुख्तलिफ तरह की बना रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। अब आ गया जो दूसरा हिस्सा है, ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। जो आपकी ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर आप ये करते हैं कि आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, आप कोई फैक्ट्री बिल्ड करते हैं, आप कोई जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाते हैं, तो वो आप नए सिरे से बनाते हैं, न्यूली, यानी कि यू बिल्ड फ्रॉम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो दैट इज़ बिल्ड अ न्यू फैक्ट्री, न्यू स्टोर, ये ग्रीन फील्ड है। उसकी वजह ये नया पौधा है बिल्कुल, और ये आप काम स्टार्ट कर रहे हो, दीज न्यू फैसिलिटीज आर बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप स्क्रैच से शुरू करते हो तो ये ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसके अंदर आप
ताज़ा पौधा काश्त कर रहे हो, ताज़ा चीज़ काश्त कर रहे हो, ताज़ा काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसी फैक्ट्री खरीदते हो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ खरीदते हो टू लॉन्च न्यू प्रोडक्टिव एक्टिविटी, बट द फैक्ट्री इज ओल्ड वन, स्टोर्स आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बट क्लोज्ड ड्यू टू सम रीज़न, तो आप बनी बनाई फैक्ट्री ले लेते हो वहाँ पे, जो किसी वजह से कोई चला नहीं सका, तो हम इसको ग्रीन फील्ड नहीं ब्राउन फील्ड FTI कहेंगे। यानी ग्रीन फील्ड वो है जो नए सिरे से लॉन्च करें, लेकिन ब्राउन फील्ड वो है जो पहले से एस्टेब्लिश फैक्ट्री जो है उसी को खरीद ले या बंद होने की वजह से, क्योंकि वो पुरानी इसलिए हम उसको ब्राउन कहेंगे। तो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट ये है कि पहले से एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, एग्जिस्टिंग फैक्ट्री खरीद रहे हो तो ब्राउन फील्ड है, नहीं लगा रहे हो तो ग्रीन फील्ड है। क्लासिफिकेशन इसलिए की जाती है कि जब किसी मुल्क में ये इन्वेस्टमेंट होती है तो हमें अंदाज़ा हो कि ये किस टाइप की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इज़ इट अ न्यू इन्वेस्टमेंट आर इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट ऑन एन एग्जिस्टिंग फैक्ट्री, एग्जिस्टिंग स्टॉक। तो इसलिए हम इसको ज़रा थोड़ा सा जो है वो क्लासीफाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे स्टील मिल है, ऑयल रिफाइनरी है, अगर कोई ख़रीदता है जो पहले से मौजूद है तो हम ये कहेंगे कि ये ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पे जो चीज़ आ जाती है वो है कि आप कल को इंशाल्लाह मैनेजर बनेंगे, तो मैनेजर के लिए इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। देखिए, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस मुल्क में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, मींस व्हाट यू विल गोइंग टू इन्वेस्ट, और उन इन्वेस्टमेंट के नतीजे में आज की इस इन्वेस्टमेंट पे आने वाले दौर में आप कमाएंगे क्या। अगर आपको ये नहीं आता तो आप किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट या मल्टीनेशनल किसी भी कंपनी में काम करने की पोजीशन में नहीं है, ताकि आपको अंदाज़ा हो क्या कैश फ्लो रहेगा इन द लॉन्ग रन, पैसा लगेगा कितना और आएगा कितना। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी आपको इसकी आनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको रिस्क असेसमेंट आना चाहिए नेशनल लेवल पे। एक कॉम से दूसरे कॉम में जाके आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसके नतीजे में किस तरह की इन्वेस्टमेंट आप करेंगे और उसके नतीजे में आप क्या अर्न करेंगे और इसमें रिस्क फैक्टर कितना इन्वॉल्व है, हाउ मच रिस्क इज़ इन्वॉल्व, ये अंदाज़ा आपको होना चाहिए। अगर आप ये अंदाज़ा नहीं कर सकते तो फिर आप किसी मुश्किल में पड़ गए, तो वो फिर बिल्कुल अनफॉरसीन सिचुएशन होगी, लिहाजा आपको ये पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि डेवलपमेंट असिस्टेंस, आपको असिस्टेंस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट हु वांट टू ऑपरेट बिजनेस, द असिस्टेंस टेक फ्रॉम द टैक्स ब्रेक, और ये है कि ये आप कोई टैक्स ब्रेक ले सकते हो या एज वेल एज एक्सपोर्ट असिस्टेंट इन द नेगोशिएट मेज ऑफ रेगुलेशन फ्रॉम ए फॉरेन इन्वेस्टर कैन फेस, कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए, असिस्टेंस लेना चाहिए जिससे मालूमात हासिल की जा सके कि आप किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ आपको क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या आपको कोई ग्रांट मिल सकती है, लोन मिल सकता है, नहीं मिल सकता, क्या असिस्टेंस आपको मिल सकता है, वहाँ पर रिसर्च कंपनीज़ हैं, क्या वो आपको इंफॉर्मेशन ला के दे सकती हैं, नहीं दे सकती, ये सब अंदाजे होने चाहिए। उसके अलावा लोकल टैक्स लॉस का अंदाज़ा होना चाहिए, क्या कमाएंगे, कितना टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स लॉस कितने स्ट्रिक्ट हैं, आप कितना को अर्न कर सकते हैं, ठीक है जी, क्या टैक्स अवॉइडेंस मुमकिन है या नहीं है, तो कि वहाँ पे कोई टैक्स फ्री जोन है जहाँ टैक्स ना लगता हो, तो ये सारी मालूमात आपके पास होनी चाहिए। तीसरी चीज़ इसके अंदर जो आ जाएगी वो ये आ जाएगी कि आपको पता होना चाहिए कि एक्सचेंज रेट क्या है, करेंसीज़ के एक्सचेंज रेट किस तरह से फ्लक्चुएट कर रहे हैं, उनमें रद्दोबदल कैसे हो रहा है, तब्दीली कैसे हो रही है, और किस तरह से आप इन मामलात को लेकर चलेंगे। क्योंकि एक्सचेंज रेट आप किसी मुल्क में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़ाहिर है उसकी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, और जब कमा के लाएंगे तो उसकी करेंसी से अपनी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, तो एक्सचेंज रेट क्या है। इसी तरह आउटसोर्सिंग एंड लाइसेंसिंग, क्या उस मुल्क में आप अपनी कोई एक्टिविटी किसी दूसरे के ज़िम्मे लगा सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं और उससे आप कोई अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, तो ये या इनपुट ले सकते हैं किसी से, तो ये सारी चीज़ें असेस करनी पड़ेंगी। हम इस सारे टॉपिक को अगर रिव्यू करते हैं तो इस टॉपिक में आपने जिस जिस चीज़ को अभी तक
स्टडी किया वो सारे के सारे को एक दफा रिव्यू करते हैं हम। कि देखिए आज के इस लेक्चर में अभी तक हमने देखा कि कोर्स आउटलाइन कहाँ से कवर कर रहा हूँ, क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, मल्टीनेशनल क्या है, ग्लोबलाइजेशन डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या अहमियत है, ये क्या क्या बेनिफिट्स दे रही हैं, मल्टीनेशनल के पास कितने रिसोर्सेज हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो है क्या चीज़ और इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हवाले से इसको हमने देखा है। उसके अलावा हमने देखा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ के प्राइसिंग एंड रेगुलेशंस के ऊपर क्या इश्यूज़ हम फेस करते हैं, कोलैबोरेशन को देखा, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस को देखा, उसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स क्या है मल्टीनेशनल के, इसके ऊपर फोकस किया हमने। और फिर हमने ये भी चीज़ देखी है आज के इस लेक्चर में कि क्या मॉडल्स कहते हैं, किस तरह से कंपनियाँ जो हैं वो नेशनलाइज हो जाती हैं या इंटरनेशनल प्रिवेल करती हैं, बेनिफिट्स क्या हैं गोइंग मल्टीनेशनल के, मल्टीनेशनल होने का कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, कंपनी क्या गेन करती है इसके नतीजे में, ठीक है, लोकेशन एडवांटेज, बाकी एडवांटेज, फर्म क्यों होना चाहती है इंटरनेशनल, क्या एडवांटेजेस उसको क्या गेन कर लेते हैं इससे। उसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर है तो उसकी कितनी टाइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, उसके अलावा इम्प्लीफिकेशन फॉर मैनेजर्स जो हैं वो क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज देखी हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा कल का, कल के लेक्चर को हम इस तरह से प्लान करते हैं मैं अभी बताता हूँ आपको। कल का जो मेरा लेक्चर होगा इसके ऊपर मैं अगर बात करूं कि कल क्या क्या चीज़ें मैं कवर करना चाहूँगा, तो कल का मेरा लेक्चर जो होगा वो इंशाल्लाह ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट पे बात करूँगा। ग्लोबल बिजनेस कल्चर पे बात करूँगा। कल्चर पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन अब इसके अंदर एक आध मॉडल है जो बड़ा ज़रूरी है, वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात, कल हम बात करेंगे आउटसोर्सिंग पे। आउटसोर्सिंग क्या है, क्यों की जाती है, ठीक है जी। कल हम ब्रिक कंट्रीज़ पे भी बात करेंगे कि ब्रिक कंट्रीज़ क्या हैं और वाई दीज आर पॉपुलर, ये भी बात करेंगे कल आपके साथ इंशाल्लाह। और कल जो है हम मज़ीद जो चीज़ें ज़ेर बहस मैं लानी चाहूँगा कल के लेक्चर में, वो कोशिश मेरी ये होगी कि कल जो है मैं आपके साथ बात कर सकूँ इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के अलावा जो है हम कुछ इश्यूज इस तरह के हैं जो ज़ेर बहस आने चाहिए। मैंने आज एक लिस्ट बनाई थी ताकि अगले दो लेक्चर में हम अपना कोर्स जो है उसको बिल्कुल कवर कर जाएं। तो कुछ थोड़ा सा रिस्क इश्यूज के ऊपर बात करेंगे कि क्या रिस्क है इन इंटरनेशनल बिजनेस, तो इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। तो इतना अगर कल हो जाए तो काफ़ी है। तो परसों हम जो है थोड़ा बहुत टॉपिक जो रह जाएंगे परसों वाइंड अप करके इसको हम सम अप कर देंगे आपके लेक्चर्स को। तो ये अपलोड मैं अभी कर देता हूँ, आप कह रहे थे फौरी तौर पे कर दें तो मैं कर दूँगा। तो बाकी ये है कि आप आज के लेक्चर को रैंक कर दें तो फिर इंशाल्लाह मैं उसको वाइंड अप कर देता हूँ। तो आई एम वॉचिंग दैट।
छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं साथ साथ बताता चलूँ कि जवाद बुखारी कहते हैं कि अगर एक मुल्क के पास इतने वसाइल ही नहीं तो वो R&D पे कैसे फोकस कर सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब नेसेसिटीज ही नहीं मिलती तो रिसर्च एंड डेवलप पे क्या काम करेंगे। तो मल्टीनेशनल का यही फ़ायदा है कि ये अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें दे देती हैं, जिससे कम अज़ कम हमारा काम शुरू हो जाता है, हम फिर उससे आगे देख सकते हैं। अच्छा शुक्रिया आपका एप्रिसिएशन का। स्ट्रेटेजिक अलायंस ये होता है कि दो कंपनीज किसी एक शोबे में काम करती हैं और अपनी पहचान अलग अलग रखती हैं। कोलैबोरेशन में वो कोई भी नई लॉन्चिंग कर सकती हैं, जैसे आप मिसाल ले सकते हैं सोनी रिक्सन की, एक हिस्सा सोनी का है एक रिक्सन का है, तो दोनों का है। जिया एक सवाल है कि पाकिस्तान में कौन सी तीन लैंग्वेजेस हैं। पाकिस्तान में उर्दू इज़ अ नेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अ सेकंड लैंग्वेज, यू सी इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये दो ही हैं, लेकिन तीसरी अरेबिक है, जो कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो अरब कंट्रीज़ में जाते हैं, और रिलीजियस लैंग्वेज भी हमारी अरेबिक है। अगर ये तीन आ जाए तो हम बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। उसामा मैं, मेरा माइक तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है और जो माइक है वो काफ़ी हाई पिच में रखता हूँ, वैसे साउंड मेरे की, और बाज़ूकात हो जाता है किसी दूसरे बच्चे के पास डिवाइस या हेडफोन अच्छा ना हो तो उसे प्रॉब्लम भी हो सकती है। और वैसे मैं, अगर आप मुझे कहें कि मैं कैसे इंश्योर करता हूँ कि मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको, तो मेरे पास एक लेक्चर चल रहा होता है और वहाँ पे मैं आवाज़ चेक कर रहा होता हूँ। ये देखिए आपको मेरी डबल आवाज़ आई, ये मेरा दूसरा डिवाइस है जिससे मैं चेक रखता हूँ कि मेरी आवाज़ आपको कैसी जा रही है। तो वहाँ से मैं ज़रा वेरीफाई भी करता रहता हूँ, और अक्सर इसका हेडफोन मैंने अपने कान के साथ लगाया होता है और इंश्योर कर रहा होता हूँ कि मेरी आवाज़ आपको ठीक जा रही कि नहीं जा रही। देखिए मेरे जितने भी मामलात हैं वो लेक्चर तकरीबन अपलोड हुए पड़े होंगे वहाँ पे, वहाँ से भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह कल इन्हीं टॉपिक पे बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर एप्रिसिएशन। अल्लाह हाफ़िज़।